बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला है। उनका सारा फोकस पैसा कमाने पे होता है, मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। फिर लोगों की समस्याएं फिर उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। नेता ऐसा हो जो उनसे रेगुलर टच में रहे, आम आदमी की समस्याएं हल होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युवाओं में आज की डेट में रोजगार की है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबकी निगाह जो है वो MCD चुनाव यानी कि नगर निगम चुनाव पे टिकी हुई है। तो हमारे साथ मौजूद है वेलकम ग्रुप द्वारा आयोजित बसंत पंचमी में सुमित झा जी, जो कि समाज सेवी और राजनेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 10 इंडिया में। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि वेलकम ग्रुप काफ़ी समय से आयोजन करते आए हैं सरस्वती पूजा का, तो सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया। और हम यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, सरस्वती पूजा हर साल हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लोगों में उत्साह है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएँ हैं वो लोग उस मूलभूत सुविधाओं से उससे अभावग्रस्त हैं। तो जनता भी बदलाव चाहती है, जनता भी चाहती है कि उनके बीच उनके अपने लोग हो जो कैंडिडेट काम करके दे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला है। तो क्या लगता है, अगर आप जीतते हैं तो किन किन मुद्दों पे बदलाव करेंगे? देखिए, जैसा कि MCD का मेन जो मुद्दा होता है, सड़क नाली साफ सफाई, अगर हम इतनी ही चीज़ें कर लेते हैं तो जिससे कि बहुत सारी बीमारियां जो है उनको हम रोक सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तरह तरह के वायरस डे बाई डे आ रहे हैं, तो उन वायरसों को हम बचाने, उनसे बचाव कर सकते हैं अपने बच्चों का और अपने क्षेत्र का। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी कम बोझ आएगा और लोग खुशहाल रहेंगे। सफाई पर और महिला सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया जाएगा? महिला सुरक्षा को लेके जैसा कि हमारी महिलाएं बहनों से बातें हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी चाहती हैं कि उनके भाई, उनके जो भी हैं बीच के, वो उनका सारा जो है, लोगों का आजकल जो सिटिंग है उनका सारा फोकस पैसा कमाने पे होता है, आम मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। महिलाएं सुरक्षाएं जो है जनरली उसको लेके हमारे अंदर जो है, हम यही चाहेंगे कि लेडीज़ हर जितने वार्ड हैं या जितने भी चौकी है उसमें कम से कम लेडीज़ पुलिस बल हो, जिससे महिलाओं की बात सुनी जाए। यानी कि महिला सुरक्षा को ध्यान में दिया जाएगा। अगर इससे इतर बात करें तो कई बार वार्ड में साफ़ सफाई को देखा जाता है, तो साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो कि MCD चुनाव में, नगर निगम चुनाव में ध्यान में रखा जाता है। और इसी को मुद्दा बनाकर जो लोग आते हैं, खड़े होते हैं, इसी के मुद्दे को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, और जो जीत हार की फैसला होती है इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो इसको कितना ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, जैसा कि MCD में मैंने बताया कि मुद्दा यही होता है, लेकिन लोग क्या है कि जब चुनाव आते हैं तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, चुनाव से पहले साफ़ सफाई या हर चीज़, और चुनाव के बाद फिर लोगों की समस्याएं फिर उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक नेता ऐसा हो जो उनसे रेगुलर टच में रहे और उनके काम डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग करे, और फिर जो भी समस्याएं हैं उसको ज़मीनी स्तर पर हल करके दिखाए, ना कि मीडिया में या फोटोज़ में। आम आदमी की समस्याएं हल होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो कैंडिडेट होते हैं वो तो सारी बातें किया जाता है, जनता की भी यही मांग होती है कि अगर आप आते हैं तब तो आने से पहले आपकी जो रवैया होती है वो जनता के बीच होती है, लेकिन जब सरकार आ जाती है, जब आप जीत जाते हैं कोई भी कैंडिडेट जो है, तो उसके बाद जो उनका रवैया है बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं अभी युवा नेता हूं, तो मैं अभी पब्लिक ने मुझे अभी तक सेवा का मौका नहीं दिया है, लेकिन जो भी हमारा और भी अदर सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो मैं करता रहता हूं। और रही बात, एक बार मुझे अगर मौका मिलेगा तो वो फिर मेरे काम के बाद ही आप उसके बारे में आप बोल पाएंगे, अभी तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ। युवाओं को कितना ध्यान में रखेंगे, और युवाओं के लिए कुछ विशेष अगर आपने सोचा होगा युवा नेता होने के? देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं में आज की डेट में रोजगार की है। अगर युवाओं को रोजगार दे दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं आपस में अपने आप हल हो जाती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हम छोटे छोटे एक रोजगार सेंटर बनाए, जहाँ पे जो हमारे वार्ड के बेरोजगार लड़के हैं उनका हम मतलब डाटा वहाँ रखे, और जो हमारे कार्यालय में जिस काम से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आएगी तो उनको हम फॉरवर्ड करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपका तो देखा आपने, ये थे हमारे युवा नेता सुमित झा जी, जो कि युवाओं को मौका देने की बात कर रहे हैं। और एक बार, क्योंकि देखिए काम के बाद ही आप किसी का समीकरण ये कर सकते हैं, किसी का ये कर सकते हैं कि आखिर उसने क्या काम किया, तो एक बार मौका देने की बात कर रहे हैं सुमित झा जी। लेकिन देखना ये होगा कि जनता कितना मौका देती है। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, किसी नए राजनेता के साथ, किसी सामाजिक मुद्दे पे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 10 इंडिया के साथ। मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।